हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह से अपना कब्जा किया है, उससे वहां की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तालिबान ने कंदार के साथ साथ राजधानी काबुल पर भी अपना कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब तालिबान का अगला कदम क्या होगा? क्या तालिबान फिर से उसी पुराने नक्शे कदम पर चलेगा या फिर उसका मकसद इस बार कुछ और है? इन सभी सवालों पर हम ज्योतिष के द्वारा चर्चा करेंगे कि तालिबान के इस एक्शन पर क्या होगा अफ़गानिस्तान का और पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर भारत पर, क्योंकि दिल्ली के लाजपत नगर में एक पूरा इलाका अफ़गान कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर अफ़गानी नागरिक रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मिथुन लग्न की कुंडली है अफ़गानिस्तान की, जिसमें लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश बुध अपने शत्रु मंगल के साथ सेकंड हाउस में है, शत्रु राशि कर्क में। ये मंगल षष्ठेश भी है और एकादशेश भी है। बुध की बात करें तो बुध भी लग्नेश और चतुर्थेश है। जुपिटर भी साथ में है, जो सप्तमेश और दशमेश है। अफ़गानिस्तान का सेकेंड हाउस पूरी तरह से स्ट्रांग है। अफ़गानिस्तान अपने खनिज पदार्थ के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरे विश्व में फेमस है। हालांकि यहाँ मंगल नीच का है षष्ठेश होकर, लेकिन गुरु एग्जॉल्टेड भी है, जो मंगल का नीच भंग कर रहा है। सिक्स लॉर्ड होकर मंगल का नीच का होना भी अफ़गानिस्तान के लिए एक स्ट्रांग राजयोग है। वहीं दशमेश गुरु का भी एग्जॉल्टेड होकर सेकेंड हाउस में आना, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है धन के लिए, फाइनेंस के लिए और अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी के लिए। सूर्य स्वराशि का है तीसरे भाव में शनि के साथ, जो अष्टमेश है और नवमेश है। ये शनि अपने दशम आस्पेक्ट से एग्जॉल्टेड चंद्रमा को देख रहा है ट्वेल्थ भाव में, जो पहले से ही एफ्लिक्टेड है केतु के द्वारा, राहु के द्वारा। फोर्थ हाउस में नीच का शुक्र है। हालांकि फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बली भी होता है, लेकिन ये शुक्र यहाँ पर नीच का हो गया है। ये कुंडली देखने में तो बहुत स्ट्रांग है। उच्च का गुरु है, स्वराशि सूर्य है, उच्च का चंद्रमा है, जिसके कारण अफ़गानिस्तान अपने खनिज पदार्थों के लिए, धन के लिए जाना जाता है। लेकिन मंगल का नीच का होना, शुक्र का नीच का होना क्या दिखाता है? वहाँ की जनता के सुख के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। इन दोनों के नीच के होने से वहाँ की जनता को इस धन का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस को जनता का सुख माना जाता है, कि वहाँ की जनता या किसी भी देश की जनता को क्या सुख मिलते हैं, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर नीच के शुक्र पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता को किस तरीके की सुख और सुविधाएं मिलती होंगी। धनेश चंद्रमा भी उच्च का होकर ट्वेल्थ हाउस में केतु के साथ है और अष्टमेश शनि से दृष्ट है। इस बात की तरफ इशारा करता है कि अफ़गानिस्तान के नागरिक इस धन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में केतु वॉर को, वॉयलेंस को शो करता है, शत्रुओं के द्वारा परेशानियों को शो करता है, एक्सप्लोजन की स्थिति को शो करता है। और शनि का एस्पेक्ट भी चंद्रमा पे है। शनि को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पॉलिटिक्स में अनवांटेड इश्यूज के लिए भी देखा जाता है। इस चार्ट में शनि स्वराशि सूर्य के साथ भी है और चंद्रमा को भी देख रहा है, जो अष्टमेश है। तो शत्रुओं द्वारा जनता को कंट्रोल किया जा रहा है। चंद्रमा को जनता के लिए भी देखा जाता है। चंद्रमा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जनता को रिप्रेजेंट करता है। और स्वराशि सूर्य की बात करें तो सूर्य भी सरकार को शो करता है, यानी कि यहाँ पर सरकार को भी कंट्रोल किया जा रहा है और जनता को भी कंट्रोल किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किस तरह से सरेंडर कर दिया तालिबान के आगे, और जनता को भी इन सब स्थिति को फेस करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुंडली का सिक्स लॉर्ड मंगल, सेवेंथ लॉर्ड गुरु और लग्ना लॉर्ड बुध तीनों ही मारक स्थान में है, यानी कि सेकेंड हाउस में है। नवांश में इसी गुरु की अगर हम स्थिति देखें, जो लग्न में तो एग्जॉल्टेड है,
लेकिन नवांश में जाकर के ये जो गुरु है वो शुक्र की राशि में चला गया और चंद्रमा भी दो शत्रु ग्रहों के साथ में है। राहु केतु ने भी यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। लगन में भी वो 6th और 12th हाउस में थे, नवांश में भी राहु की जगह केतु आ गया है और केतु की जगह राहु आ गया है, यानी दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि राहु केतु ने तालिबानियों के रूप में अपना आधिपत्य जमा लिया है। इस समय अगर अफगानिस्तान की कुंडली में दशा की बात करें तो इस समय शुक्र में चंद्रमा की दशा है जो 2022 तक रहेगी। हमने शुक्र की और चंद्रमा की बात की, उसके बाद शुक्र में मंगल की दशा आ जाएगी जो 2023 तक रहेगी और ये दोनों ही कुंडली में नीच के हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में वहाँ की जनता और वहाँ के हालात कितने भयावह होंगे। लेकिन दोनों ही मंगल और शुक्र त्रिक भाव के स्वामी भी हैं, दोनों नीच के भी हैं, तो स्थिति को संभलने में बहुत लंबा समय लगेगा। वैसे तो कहा जाता है कि त्रिक भाव के स्वामी नीच के हो जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये दोनों ही अपनी नीच स्थितियों में अगर 6, 8, 12 भाव में होते तो ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन ये 2nd हाउस और 4th हाउस के शुभ प्रभावों में कमी कर रहे हैं। राहु केतु गोचर में ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं, इसलिए इतनी भयावह स्थिति हो गई है अफगानिस्तान की। भारत की अगर बात करें तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की कुंडली में ऑलरेडी लग्न में राहु बैठा हुआ है वृषभ राशि का, राहु पर राहु का ट्रांसिट भी है, इसलिए भारत ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर है, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन अगर विश्व के दूसरे देशों की बात करें तो विश्व के दूसरे देशों पर इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। अफगानिस्तान का 6th, 8th और 12th भाव, तीनों ही भाव गोचर में राहु केतु शनि और गुरु से एस्पेक्टेड है, इसलिए वहाँ दहशत का माहौल है। गुरु शनि दोनों ही इस समय वक्री हैं और अभी ये माहौल और भी ज़्यादा भयानक रूप लेगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि स्थिति को संभाल कर वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा मिले, सभी का जीवन सुरक्षित रहे। जेमिनी चरदशा से भी बात करें तो इस समय अफगानिस्तान में सेगिटेरियस में कैप्रिकॉन की दशा चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। सडन राइज सडन फॉल की स्थिति को सेगिटेरियस की दशा शो करती है, ऐसे में कैप्रिकॉन की दशा अंतरदशा का आना भी वहाँ के हालात को और बिगाड़ सकता है। उसके बाद 2022 में स्कॉर्पियो की दशा आ जाएगी जो 6th हाउस के रिजल्ट देगी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में आने वाले समय में 6th हाउस के रिजल्ट उनको मिलने लगेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य स्वराशि होकर केतु के नक्षत्र में है। तालिबान आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान पर अपना राज करेगा। अगर हम लगन कुंडली की बात करें, नवांश की बात करें या दशमांश की बात करें तो तीनों ही चार्ट में केतु और सूर्य की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से अच्छी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान इन सभी और ज़्यादा परेशानियों को फेस करेगा। इस स्थिति को देखते हुए आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षा दें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।